हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे यूनिट बनाना, यूनिट ऑफ मेज़र। यूनिट ऑफ मेज़र होता क्या है, जैसे कि कोई भी सामान लेते हैं, जैसे किलो में लेते हैं तो उसके लिए केजी सिंबल है, जैसे पीस में लेते हैं, एक पीस दो पीस तो उसके लिए पीस बनाते हैं, जैसे ग्राम में लेते हैं तो ग्राम बनाते हैं, उसी प्रकार से यूनिट ऑफ मेज़र है। इसमें हम यहाँ पे यूनिट ऑफ मेज़र क्रिएट करेंगे, जैसे कि यूनिट यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टेली में है, फ्रंट पेज में है टेली के, उसमें हम इन्वेंट्री इन्फॉर्म जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फॉर्म जाने के बाद यूनिट ऑफ मेज़र में जाएंगे। यूनिट ऑफ मेज़र में जाने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे। अगर बना चुके रहते हैं उसको देखना है तो डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ पे एक मेरा यूनिट ऑफ मेज़र बना हुआ है, यहाँ पे हम एक नया यूनिट ऑफ मेज़र बना लेते हैं, जैसे कि किलोग्राम के लिए केजी रहता है, केजी यहाँ पे केजी रहेगा, यहाँ पे आपका यूनिट ऑफ किलोग्राम, किलोमीटर, किलो लीटर और किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम रहेगा। नंबर ऑफ प्लेस 0 रहेगा, यहाँ पे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि ग्राम है, GRM शॉर्ट फॉर्म है ग्राम, यहाँ पे आपका यहाँ पे GMS रहेगा ग्राम्स, यहाँ पे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा यूनिट ऑफ मेज़र कैसे बनाया जाता है। दोस्तों इसी मेथड के थ्रू यूनिट ऑफ मेज़र बनाया जाता है। यहाँ पे हम इसको यूनिट ऑफ मेज़र क्या क्या बनाए हैं उसको देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जाके हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ग्राम बनाया है, किलो बनाया है और यूनिट बनाया है। यहाँ जैसे कि हमको सुधार करना है तो अल्टर में जाके हम सुधार कर सकते हैं। जैसे ग्राम, यहाँ पे ग्राम रहेगा GMR ग्राम, यहाँ पे ग्राम्स करके आएगा। यहाँ पे आपका कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, उसको हमने सुधार कर लिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यूनिट ऑफ मेज़र में डिस्प्ले है, अल्टर है, क्रिएट है। जैसे और बनाना चाहें तो यहीं पे बना सकते हैं, या फिर कोई भी वाउचर एंटर करते वक्त वहां पे बना सकते हैं। मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही वहां बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।